हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है फर्न प्लांट के बारे में है। मेरे पास जितने भी फर्न के प्लांट हैं वो मैं दिखाऊंगी आपको। पांच अलग अलग तरह के प्लांट दिखाऊंगी, क्या उनके नेम हैं, क्या प्राइस हैं और उनकी ग्रोइंग कंडीशन क्या है, किस तरह की धूप में रखना चाहिए, किस तरह के गमले में लगाना चाहिए, किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए और कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, सभी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप के फर्न के प्लांट। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत एक फर्न की टाइप, इसको फॉक्सटेल फर्न बोलते हैं। और ये प्लांट आपको नर्सरी पर मिल जाएगा 50-60 से लेके 70-80 रुपये तक। जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी जो मुझे 80 रुपये का मिला था 3-4 साल पहले, तो इस तरह के ही इसके प्राइस होते हैं। नर्सरी पर जब हम लेने जाते हैं तो छोटा प्लांट मिलता है, इतना बड़ा प्लांट नहीं मिलता है। इतना बड़ा प्लांट जो होगा 3-4 साल के बाद में, तो ये प्लांट जो है ट्यूबर से ग्रो होते हैं और बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होते हैं। जब हम इनको एक बार नर्सरी से ले आते हैं तो फिर दोबारा इनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। और इनके नीचे जड़ें नहीं होती हैं, छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं कैप्सूल टाइप के। जितने साइज़ कैप्सूल का होता है उतना ही साइज़ इसके ट्यूबर्स का होता है और वो वाइट कलर के होते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जिसको आप गमले में, हैंगिंग बास्केट में दोनों जगह लगा सकते हैं। जब ये प्लांट थोड़ा जो है घना हो जाए तो इसको आप डिवाइड करके इसके एक से ज़्यादा गमले बना सकते हैं। और इसको लगाने के लिए जो है मिट्टी चाहिए, वेलड्रेन मिट्टी चाहिए जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद मिला के इसको लगाइए। और इसको आप पानी तभी दीजिए जब इसके गमले की मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसको जो है आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ सर्दी के दिनों में चाहे आप इसको फुल धूप में रख सकते हैं, मगर गर्मी के दिनों में आप इसको 3-4 घंटे की धूप में ही रखिए। उसके ज़्यादा की धूप इसको ज़रूरत नहीं होती है, जो 2-3 घंटे की धूप में भी अच्छे से ग्रो करता है। दूसरा देखिए, ये एस्पेरेगस फर्न है और एस्पेरेगस फर्न भी फॉक्सटेल फर्न की तरह ही होता है। प्लांट एवरग्रीन प्लांट होता है, परमानेंट होता है। और नर्सरी पर इसका प्लांट, छोटा जो प्लांट है इसका 30-40 रुपये का मिल जाएगा। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में, गमले में दोनों जगह लगा सकते हैं। मिट्टी इसको भी वेलड्रेन ही पसंद होती है जिसमें पानी नहीं रुके। और इसको भी जो है आपने पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है, सर्दी के दिनों में चाहे आप इसको पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, गर्मी के दिनों में इसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको 1-2 घंटे की धूप मिल जाए। उसके बाद जो है अच्छी ब्राइट लाइट या सेमी शेड एरिया में आप इसको रख सकते हैं। और गमले की बात करूँ तो इसको आप गमले में, हैंगिंग बास्केट में दोनों जगह लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप छोटा गमला ले सकते हैं, मगर जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ता है तो इसके लिए गमला भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 10-12 इंच का, तो ये अच्छे से चलता है। तो इसको भी आपने ज़्यादा पानी नहीं देना होता है क्योंकि फॉक्सटेल फर्न की तरह ही इसके नीचे भी जड़ें नहीं होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं जो ज़्यादा पानी देने की वजह से जो है ख़राब हो जाते हैं। उनमें ऑलरेडी ही पानी होता है इसलिए इनको ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है। पानी इनको तभी देना है जब इनके गमले की मिट्टी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। और इनको कोई ज़्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती है, इनको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ इनको जो अच्छे से ब्राइट लाइट जाए, 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, जब पानी सूख जाए तो पानी दे दीजिए। बहुत ही लो मेंटेनेंस एवरग्रीन जो प्लांट होते हैं एस्पेरेगस फर्न और फॉक्सटेल फर्न दोनों ही। तो एक बार ले आएंगे तो देखिए, मैं इनके ट्यूबर्स दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए वाइट कलर के जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये इनके ट्यूबर्स होते हैं, इन्हीं से ये ग्रो होते हैं, इनकी जड़ें नहीं होती हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही आसान होता है। गमले से जो पूरे प्लांट को निकालिए और बीच से जो कट करके आप इसके 1 से 2, 2 से 4 प्लांट जो है बना सकते हैं और ये पूरा साल इसी तरीके का हरा भरा रहता है। तो देखिए, तीसरा जो प्लांट मेरे पास फर्न का है तो ये है बॉस्टन फर्न। बॉस्टन फर्न बहुत सारे डिफरेंट टाइप में आती है, मेरे पास भी 3 तरह के हैं। तो देखिए, पहला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है वेरीगेटेड वाला। तो ये जब मैं नर्सरी से इसको लाई थी 1-1.5 साल पहले तो ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। तो जब आप हम इसको एक बार नर्सरी से लाते हैं तो ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। इसके नीचे ट्यूबर्स नहीं, इसके नीचे रूट्स, जड़ें होती हैं इसकी, उसकी जड़ों से ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। और इस ये जो है सर्दी के दिन में थोड़ा जो है ग्रोथ कम करता है, मगर जैसे ही गर्मी और बरसात का सीज़न आता है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद होती है। तो और बरसात के दिनों में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है और ये अच्छे से ग्रो करता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में, गमले में दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छा जो हैंगिंग बास्केट में लगता है। तो इसके लिए मैंने देखिए मिट्टी जो बनाई है जिसमें मैंने इसको लगाया हुआ है, इसमें मैंने कोकोपीट, पत्तों की खाद, थोड़ी सी जो है रेत और गार्डन सॉइल मैंने मिला के इसको लगाया हुआ है। और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप जो है इसको जो है पानी तब दीजिए जब इसके गमले की मिट्टी जो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। इसकी मिट्टी को ना ही ड्राई रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखना है, थोड़ा सा जो है मॉइस्चर इसमें बना के रखना है, तो फिर ये अच्छे से ग्रो करता है। और साथ में आप जो है महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जो है आप इसको
सीवीड और एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल के फिर इस पर स्प्रे करेंगे या इसकी जड़ों में देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और ज़्यादा इसको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, इसी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो इस तरह का भी प्लांट आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं स्टार्टिंग में। आप जब आप इनको लगाना सीख लेंगे उसके बाद इनकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, वही है कि जब इनकी गमले की मिट्टी सूख जाए तो फिर आप इनको पानी दे दीजिए। और सर्दी के दिन में इनको आप धूप में भी रख सकते हैं, मगर गर्मी के दिन में इनको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। तो बॉस्टन फर्न की दूसरी मेरे पास टाइप देखिए, ये है गोल्डन कलर की फर्न की एक टाइप है। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो जब मैं इसको एक साल पहले नर्सरी से लाई थी तो ये मुझे 50 रुपये का मिला था। तो इस देखिए इसकी जो कलर है उसकी वजह से ही ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप गमले में, हैंगिंग बास्केट में, दोनों जगह लगा सकते हैं। गमले में लगाना है तो गार्डन सॉइल, रेत और खाद मिला के लगाइए। गमले में लगाना है थोड़ी सी कोकोपीट डाल सकते हैं हैंगिंग बास्केट को लाइट बनाने के लिए। तो ये भी इसकी केयर भी सेम ही है, इसको भी धूप पसंद नहीं होती है। अच्छी ब्राइट लाइट जैसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं जहाँ जहाँ शन के इसको धूप मिले। और इसको भी जो है वही फर्टिलाइज़र जो मैंने पहली वाली के लिए बताया वही इसको दे सकते हैं। और पानी इसको भी तभी ही देना है जब इसके गमले की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए, ओवर वाटर नहीं करना है, ना ही मिट्टी को ड्राई रखना है। तो तीसरी देखिए बॉस्टन फर्न की जो टाइप है मेरे पास, तो देखिए ये ग्रीन वाली टाइप है। और इसको मैं 2 या 3 महीने पहले नर्सरी से 50 रुपये का लाई थी और इस तरीके से पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट मुझे 50 रुपये का मिला था। और इसकी जो ब्रांचेज हैं काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी होती हैं और इधर उधर लटकने के बजाय ये सीधी स्ट्रेट रहती हैं खड़ी। और अगर गमले में लगाने के लिए कोई बॉस्टन फर्न की आपको टाइप चाहिए तो इसको लगा सकते हैं, प्राइस भी कम ही है। और इस तरीके से ये बहुत ही ग्रीनरी लिए हुए प्लांट होता है। और इसको मैंने गमले में लगाने के लिए मिट्टी जो है गार्डन सॉइल, रेत और खाद ली है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और ऐसी जगह इसको मैंने रखा है जहाँ प्लांट का झुंड है, अकेले नहीं रखा है। बॉस्टन फर्न के प्लांट हमेशा आप ऐसी जगह रखिए जहाँ आसपास ही इनके प्लांट हो, इनको ह्यूमिडिटी मिले, तो फिर ये और अच्छे से ग्रो करते हैं। और इस तरीके से इन प्लांट को, अगर आपको ऐसे प्लांट चाहिए जो लो मेंटेनेंस हो, पूरा साल आपके पास बने रहें, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सको, गमले में भी लगा सको, तो ये फर्न के जो प्लांट मैंने आपको 5 बताए तो इनको लगा सकते हैं आप। फर्टिलाइज़र की बात करो तो फर्टिलाइज़र में आप इनको कर्डोन कम्पोस्ट या बर्मी कम्पोस्ट दे सकते हैं साल में 2 बार, जैसे फरवरी मार्च में या सितंबर अक्टूबर में। उसके अलावा जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सीवीड है और साथ में एप्सम सॉल्ट जो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पानी में घोल के इसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं और इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, ये अच्छे से ग्रो होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।